नमस्कार, भारतीय रेसिपी के लिए आपका स्वागत है। मैं आज बनाना चाह रही हूँ चिकन चॉप्स ग्रेवी। ये चिकन चॉप्स ग्रेवी के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए नोट करेंगे। हमने एक प्याज लिया है और एक टमाटर लिया है। इसे खट्टा नहीं आना है, इसलिए हम मसाले भी नहीं डालते। ये प्याज भी स्वीटनेस आ जाता है, इसलिए हम ये मसाले में नहीं डालते हैं। बाद में मसाला ये गार्लिक, जिंजर, हरी धनिया और किसा हुआ नारियल, ग्रीन चिल्ली, ये ब्लैक पेपर, खसखस और ये गरम मसाला है, ये अनानास का फूल है और चार लवंग ले लिया और तीन मराठी मग्गू ले लिया, इस मग्गू तीन ले लिया और दालचीनी लिया, ये दालचीनी लिया, इसमें सॉल्ट, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, तेल और चिकन, ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। ये पांच लोगों के लिए ग्रेवी बना रहे हैं, चॉप्स ग्रेवी। तलने के लिए डालेंगे हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, काट के रखेंगे। ये टमाटर ज़्यादा नहीं डालना है, खट्टा नहीं आना है चॉप्स ग्रेवी के लिए। चिकन चॉप्स ग्रेवी के लिए थोड़ा मसाला फ्राई करेंगे। पेपर मेन ये पेपर है चॉप्स के लिए, ब्लैक पेपर चाहिए। फ्राई करेंगे, किसा हुआ नारियल भी डालेंगे इसमें।
एक्स्ट्रा फ्राई करेंगे। अच्छा चलने से आपका इस सॉस का ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें हरी धनिया भी डालेंगे। गैस बंद कर देंगे। एक तला हुआ है, तैयार हो गया मसाला। थोड़ा ठंडा ठंडा है। ठंडा होने के बाद हम मिक्सर में डालेंगे। मिक्सर में डाल के ग्राइंड करेंगे। ये मसाला ठंडा हो गया है, मिक्सर में डालेंगे हम। पेस्ट होना है। ज़्यादा मोटा मोटा है तो टेस्ट ही अलग हो जाता है। ये अच्छा पूरा बारीक पेस्ट होना है। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। मसाले में नहीं डालना है, अभी कुकर में प्याज डाल के तलना है। यही मेन चॉप्स ग्रेवी का प्याज ऐसा डालने से मेन है। Thank you.
कर देंगे हम। अभी हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इसमें हम टमाटर डालेंगे। एक ही टमाटर डाला है क्योंकि चॉप्स ग्रेवी के लिए खट्टा नहीं आना है, इसलिए टमाटर एक डाल। प्याज और टमाटर तलने के लिए डालना है, मसाले में नहीं पीसना है। अब ये हल्का सा ब्राउन हुआ है, ज़्यादा नहीं तलना है, थोड़ा आधा। ज़्यादा नहीं, ऐसा तल लेना है। और हम इसमें चिकन डालेंगे। एक हम चिकन विथ स्किन लिया है, विथ स्किन से ज़्यादा ग्रेवी अच्छा बनता है। किसी को पसंद नहीं है तो नॉर्मल चिकन ले सकते हैं विदाउट स्किन का। ये हल्दी डालेंगे, और ये धनिया पाउडर डालेंगे। मसाले भी इसमें डाल देंगे। ये मिक्सर का पानी डाल सकते हैं, इसमें मसाले लेते हैं। ये धोके डालने से पानी भरा जाता है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये ग्रेवी है, चॉप्स ग्रेवी। ग्रेवी आता है। अभी हम ये
दो सीटियां आना है अभी, दो सीटियों से चिकन अच्छा सा पक जाता है। अभी हम इसे ढक्कन लगा के डालेंगे, अभी दो सीटियां आने तक पकने देंगे। अभी चिकन अच्छा सॉफ्ट होता है, अभी दो सीटियां आने। ये दो सीटियां बच चुके हैं, अब ये पक जाते हैं। हम गैस को बंद कर देंगे, गैस बंद कर दिया है, अभी 10 मिनट छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम प्रेशर कुकर ओपन करके देखेंगे। ये कुकर ठंडा हो गया है, चॉप्स ग्रेवी तैयार हो गया है। और दो सीटियों से चिकन भी अच्छा पक गया है, सॉफ्ट रहते हैं। इसे आ जाना है, डिश आउट करेंगे। और ये मसाला मेरा दादी का रेसिपी है और पुराना चॉप्स ग्रेवी है। और ये चिकन चॉप्स ग्रेवी तैयार है, ये मेरा पुराना रेसिपी है, मेरा दादी का रेसिपी है, क्योंकि इसमें काजू कुछ नहीं डाला है ग्रेवी के लिए, खाली खसखस डाला है। इससे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इसमें राइस भी डाल सकते हैं, फ्राई करके खसखस के साथ राइस भी थोड़ा डाल के ग्रेवी ज़्यादा बना सकते हैं। अब ये 5 लोगों के लिए एक ग्रेवी बना है और इससे खाने के लिए चपाती, फुलका और पूरी। फिर एक पूरी बहुत अच्छा लगता है, इसका कॉम्बिनेशन एक पूरी अच्छा रहता है। और भी मेरा चॉप्स ग्रेवी तैयार हो गया है, चिकन चॉप्स ग्रेवी। और मेरा अगला रेसिपी देखना मत भूलिए, हम एक पूरी बनाएंगे, इसके साथ कॉम्बिनेशन है वो। और मेरा रेसिपीज नोट करने से आपका धन्यवाद।